नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। दोस्तों, अगर आप चेन्नई सुपर किंग्स के फ़ैन हैं तो वीडियो को दिल से एक लाइक कर दीजिए पहले ही, और वीडियो को एंड तक देखिएगा क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चेन्नई टीम की यूए में प्लेइंग 11 क्या हो सकती है, वो कौन से 11 खिलाड़ी होंगे जो यूए के कंडीशन में चेन्नई के लिए परफेक्ट बैठेंगे। इसी को लेकर सारी इन्फॉर्मेशन आप सभी को आगे मिलने वाली है। तो दोस्तों, अगर आप भी हमारे चैनल पर नए हो तो इसे याद से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा ताकि ऐसी ही वीडियोस आप सभी तक पहुंचती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं, और सबसे पहले बात करते हैं चेन्नई टीम की। दोस्तों, सीएसके ने 29 मार्च से शुरू हो रहे आईपीएल 2020 के लिए पहले ही ट्रेनिंग कैंप लगा लिया था, लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण आईपीएल जो है अब 19 सितंबर से शुरू होगा और इसका पूरा सीजन यूए में खेला जाएगा। यूए में अभ्यास करने के लिए और तैयारियों के लिए चेन्नई की टीम सबसे पहले वहां पहुंचना चाहती थी, लेकिन बीसीसीआई ने यह क्लियर कर दिया है कि 20 अगस्त के बाद ही फ्रेंचाइजियां यूए के लिए रवाना हो सकती हैं। अब ऐसे में दोस्तों, 20 अगस्त के बाद चेन्नई की टीम जल्द ही यूए के लिए रवाना होगी, वहां पर अभ्यास करेगी और सीजन में चौथी बार खिताब जीतने के इरादे से मैदान पर उतरेगी। सबसे पहले बात करें चेन्नई टीम के स्क्वाड की, तो इस बार के ऑक्शन से इन्होंने ज्यादा खिलाड़ियों को नहीं खरीदा था। जॉश हेजलवुड, साई किशोर, सैम कुरन, पीयूष चावला कुछ ऐसे खिलाड़ी थे जिन्हें चेन्नई की टीम ने अपने स्क्वाड में शामिल किया था, बाकी खिलाड़ी 2019 सीजन की तरह सेम ही रहने वाले थे। तो अब इन खिलाड़ियों को लेकर बात करें एक मजबूत प्लेइंग 11 की, तो जो प्राइमरी प्लेइंग 11 होने वाले हैं चेन्नई टीम की, यानी जो पहले कुछ मैचेस में होगी वो कुछ इस प्रकार से हो सकती है। चेन्नई के लिए सबसे पहले ओपनिंग करते हुए नजर आएंगे शेन वॉटसन और फैब डुप्लेसिस। इसके बाद दोस्तों, 3 नंबर पर सुरेश रैना, इसके बाद 4 पर अंबाती रायडू, 5 पर एमएस धोनी, 6 पर केदार जाधव, 7 पर रविंद्र जडेजा, 8वें नंबर पर यहां पर सैम कुरन या फिर डीजे ब्रावो खेलते हुए नजर आ सकते हैं। इसके बाद दोस्तों, 9वें नंबर पर दीपक चहर, 10वें नंबर पर हरभजन सिंह या फिर शार्दुल ठाकुर को जगह मिल सकती है, और 11वें और आखिरी नंबर पर यहां पर इमरान ताहिर खेलते हुए नजर आएंगे। अब दोस्तों, इन सभी खिलाड़ियों के अलावा भी कुछ ऐसे खिलाड़ी होंगे जिन्हें चेन्नई की टीम प्लेइंग 11 में किसी न किसी मैच में मौका देना जरूर चाहेगी। और चेन्नई टीम की एक खास बात यह है कि वो जिस तरह का ट्रैक देखते हैं, यानी जिस तरह का पिच देखते हैं, उसी हिसाब से खिलाड़ियों को रोटेट करते हैं। अगर उन्हें स्पिन ट्रैक मिलती है तो वो स्पिनर्स को ज्यादा खिलाते हैं, और फास्ट ट्रैक मिलती है तो वो पेसर्स को ज्यादा खिलाते हैं। इसी हिसाब से दोस्तों, चेन्नई की टीम की प्लेइंग 11 तैयार की जाती है, और इसलिए इनके पास स्क्वाड में काफी अच्छे अच्छे ऑप्शन भी मौजूद हैं। जॉश हेजलवुड, लुंगी एंगिडी दो अच्छे तेज बाजी के विकल्प मौजूद हैं, तो वहीं पीयूष चावला और साई किशोर ये दो अच्छे ऑप्शन भी मौजूद हैं। इसके अलावा दोस्तों, कर्ण शर्मा और मिचेल सेटनर भी यहां पर अच्छी खासी गेंदबाजी कराते हैं। मिचेल सेटनर जो कि ऑलराउंडर है, वहीं कर्ण शर्मा भी एक अच्छे ऑलराउंडर है, उपयोगी बल्लेबाज भी हैं, इसके अलावा अच्छी खासी लेग स्पिन भी कराते हैं। मिचेल सेटनर न्यूजीलैंड के हैं, वो भी अच्छी खासी गेंदबाजी किए थे 2019 के सीजन में, चेन्नई टीम के लिए काफी फायदेमंद साबित हुए थे। तो दोस्तों, जैसा कि हम सभी को पता है कि चेन्नई की टीम में काफी उम्रदराज खिलाड़ी हैं, यहां पर युवा खिलाड़ियों की कमी है, लेकिन सैम कुरन और साई किशोर जैसे कुछ अच्छे युवा खिलाड़ी इस बार टीम में मौजूद रहेंगे। इसी को देखते हुए चेन्नई की टीम एक अच्छा कॉम्बिनेशन बिठाना चाहेगी टीम का। अब दोस्तों, देखना यह होगा कि क्या चेन्नई की टीम इस बार चौथी बार खिताब जीत पाती है या फिर यूए में कोई और ही चैंपियन बनती है। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।